तो फ्रेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक सबसे बड़ा बैंक है, उसमें 2-3 दिन पहले एक प्रॉब्लम आ गया था कि उसमें जो भी APS ट्रांजैक्शन होता है, जो भी उसका APS सर्विस है, वो बंद हो गया था, जो कि आज फिर से वो चालू हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को APS सर्विस को यूज़ करके लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को इधर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने एक CSP के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। CSP में लॉग इन होने के बाद हम लोग यहाँ से एक ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे हम लोग करेंगे बैलेंस इंक्वायरी, तो इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद अपना डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद इसमें बैंक सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और अपना फिंगर लगाएंगे। फिर फिंगर लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक यहाँ पे लिखा रहा है। हम लोग का जो अमाउंट है अकाउंट पे वो है 330 रुपये, वो यहाँ पे हो चुका है। तो फ्रेंड अब आप लोग ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि स्टेट बैंक ने APS को फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।